बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। यहाँ के ट्रैक्स पर शोरों की बरसात होने वाली है। कहीं कीचड़ से भरे के रास्तों पर बिजली की रफ्तार से भागती दो गाड़ियां मुकाबले के लिए तैयार है। आपके जोश भरे और आसमान को हिलाने वाली तालियों के गड़गड़ाहट के शोर के बीच जीत का झंडा गाड़ने के लिए स्वागत कीजिए। मुझे भी एक बीड़ी देना। कोई भी काम किए बिना बीड़ी फूंक के बैठ जाओ। तुम भी तो फूंकते हो। मुझे तो आदत पड़ गई है। हाँ तो मुझे भी आदत पड़ी है। लो, बिटिया ज्यादा लेमन जूस वगैरह मत खाया करो, दांतों में कीड़े लगेंगे। लेकिन आप तो पान खाते हैं ना रोज। तू तो बड़ी चालाक निकली बिटिया। Thank you.
अच्छा आजकल इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे शेजू, यूनियन लीडर बनने के बाद बहुत बिजी हो गए हो क्या? मेरा काम सिर्फ यहीं पर नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। क्या यूनियन है तुम लोगों की भी? कूप में ज्यादा मजदूर तो है नहीं, और कोई नया आए तो उसे भी काम नहीं करने देते। आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना? बारिश आए या तूफान, हम कुछ लोग काम करेंगे, तुम यूनियन वाले टांग ना अड़ाए बस। साले कुत्ते, तू ज्यादा होशियारी मत छाड़, मुझसे पंगा लिया ना तुझे जिंदा चला डालूंगा मैं, सुन लिया ना? आते हैं एक एक ड्राइवर की औलाद। जाएगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ोगे, मोती की हुकूमत है वहां पर, पूरी कूप उसकी मुट्ठी में बंद है। उसे मैं ठीक कर दूंगा, बस एक मौके की तलाश है। आसानी से मात खाने वालों में से नहीं है वो। मिठू बेटा, तेरे लिए जोड़ी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, ठीक है? भाई, हाँ? अपनी बेटी को खाना खिला दिया? अरे अभी तक तू यहीं पर है राजू, अभी तू निकलेगा तभी कल शाम तक तराई पहुंचेगा, चल जल्दी निकल। हाँ ठीक है जाता हूँ। फालतू में टाइम पास कर रहा है, तराई में घूमना फिरना मत, जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छी बात है। ये फूकना कब बंद करेगा? ये बंद नहीं होगा। मोती कहाँ है साईं? मोती भाई, खुशबू ये दे रही है। मैं भी डालना क्या? पर तूने तो छोड़ दी थी ना। छोड़ी थी पर अब छोड़ छोड़ के पी रहा हूँ। तू दे डालना। नौटंकी साला। हाँ शैजू, क्या बात है भाई, आजकल दिखाई नहीं देते। हाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ अपने चमचों को ही लोड देते हो ना। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारा इशारा मोती की तरफ है तो वो अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा लोड उठा रहा है, और साथ साथ थोड़ा ईमानदार भी है। तेरी तो, तेरी ये मनमानी अब यहाँ नहीं चलेगी, अब यूनियन वालों को ही लोड देगा तू, किस
गहरे गहरे को नहीं। ये सब होने वाली बात नहीं है बेटा, तू और तेरे साथी जितना लोड दो दिन में ले जाते हैं वो मोती एक ही दिन में तराई में पहुंचा देता है। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहता हूँ। भाई सुन, हाँ भाई, जरा ये रस्सी बांध दे। मेरी और मेरी यूनियन की बात नहीं मानी ना तो तेरी ये कूप चलाने नहीं दूंगा मैं। चल मजा तनों के दो लोड एक साथ चढ़ाने के बाद जब मैं अपने गरुड़ को सातवें हेयरपिन बेंड पर मोड़ता तब तेरी गाड़ी दूसरे तक भी नहीं पहुंचती। और यही वजह है कि मैं तुझसे ज्यादा ट्रिप करता हूँ। तू चाहे तो घास या यूकेलिप्टस चढ़ा के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर। अब आइंदा कभी भी इस बहाने से इस पहाड़ पर मत चढ़ना। अगर आया तो वापस नहीं लौट पाएगा। मार खाने के लिए फालतू में ऊपर आया, हम लोग तो खुद ही तराई में आ रहे थे, है ना? चलता बन यहां से। राजेंद्र को देख कैसे बैठा धूप सेक रहा है। एक पत्थर फेंको, भागता हुआ कूप में पहुंच जाएगा। अरे क्या राजेंद्र, अब तक यहीं बैठे हुए हो? थक गया हूँ, गाड़ी चला रहा था ना। अरे नहीं नहीं, चलाते कहो, रेंगते हो। हाँ भाई, जल्दी रस्सी खोल के आ जा। अभी आता हूँ रस्सी खोल के। अरे मोती, आज लोड बहुत ज्यादा लाया। अपना गरुड़ है ना विजय भाई, ढो लेता है। अच्छी बात। और हाँ, टाउन जाओगे तो लंबे तनों के भाव पता का पता लगा, उसके बाद ही तनों को काटना। हाँ, कुछ खाया कि नहीं? तो चलो खाते हैं मासी, आओ। एक पैकेट ये लो। अरे ये क्या है? स्टिकर। इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ उठा के क्यों पी रहे हो? मेरा फेफड़ा छोटा भीम की तरह मजबूत होगा बड़े भैया, तभी मैं पी पाऊंगा। मजा आ रहा है ना? अस्पताल में पड़ा फूकेगा तब तुझे भी मजा आएगा। चल चाय पी के रिटर्न पैसेंजर ढूंढ ले। ओके, पैसा बनाने के लिए कितना जोश है। शंकर भाई, दो काली। हाँ बैठो, देता हूँ। इडली सांभर बहुत बढ़िया, और हम मेहनत करने वालों को सिर्फ चाय और बन, क्या बात है। सुबह ही तो ठूसा था तूने। अरे वो सुबह की बात है, उसे खा के तो कब की डकार मार दी। लगता है आज कूप में मजदूर बहुत कम है ना मोती? क्यों, तुम आ रहे हो शंकर भाई? क्यों, इडली बनाने के लिए? पैसा यहाँ रख रही हूँ। अच्छा ठीक है, धंधा मंदा हो गया मोती। सब ठीक हो जाएगा शंकर भाई, देख लेना। कुछ भी हो, मताई सेठ को मानना पड़ेगा। उधार उधार लेके भी कूप चला रहे हैं वो। एक बात कहूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ टिके हुए। ये कौन सा मस्का है शंकर भाई? चुप रहे ना। ए, जाके देखो लोड उतरा के नहीं। ठीक है। अब गिलास चाटना बंद करना। अच्छा, ऐसी बेस्वाद फीकी चाय कौन पिएगा? अच्छा बेटा, कल आना फिर बताता हूँ। चाय को फीकी बोलता है। ये पायरा सा बदलना नहीं है शंकर भाई। पिछली बार तूने मदद की तब जाकर इतना कर पाया था, अब इस बार मॉनसून से पहले ही ये सब बदल दो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो शंकर भाई। अरे हाँ, कल क्या हुआ था? सुना है शैजू की धुलाई कर दी। बस उसे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था।
नशा उतर गया होगा। अरे दे ना, शर्मा क्या रही है, चल बैठ। लो भाई 20 है ना। हाँ। में नहीं, पैसा निकाल, पैसा निकाल। ये ले पैसा। ₹5। हाँ। ₹5 में बेलों में लटक के पहुंचा ऊपर। अरे बाकी बाद में दे। देती हूँ ना, हटा सामने से, हम जाके चढ़े। ₹5 में इसे गोदी पकड़ के चढ़ाओ भी। और भी कोई मन्नत मांगी हो तो प्रसाद के लिए पैसा दे सकते हो। मोती आ गया है। मोती भाई, ये सब देवी माँ पे तेरे नाम से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा बेटा, सबके पैसे वापस लौटा दे। ये भैल ना बात। मैंने पहले ही कहा था कि मोती भाई को ये सब पसंद नहीं है, जबरदस्ती पैसे देके मुझे बुरा बनाते हो। लो एकरा भी दे। ये लो ओकरा भी दे। ओके लो, ये उसे पकड़ा दो। लो हमारे पास ₹5 था। बढ़िया, ₹5 देके उछल रही है। शाम के लिए जुगाड़ हो रहा है। अरे कहां, मेरे पास जो 5 था वो भी गया। अब ले फोकट में सफर के मजे। मजे लेवे खातिर का बेंच कार। अच्छा, तेरी शक्ल पे बेंच कार चाहिए। ये 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 ये। चल बड़ा भाई। मोदी भाई धीरे, मैं भी आ रहा हूं। जल्दी आ जा। मैं भी आ रहा हूं। आ गया। अरे भाई, किस्मत में वैसे लड़का ही लिखा है। लगता है पिछले जन्म में हम चमगादड़ रहे होंगे। हां चढ़ लो, पकड़ लो इसे, पकड़ के आराम से। पता नहीं आगे मोती को बैठने के लिए जगह मिली कि नहीं। चाचा खोपड़ी में जाके। हां रुको रुको रुको, लोग उतरने दो। चलो उसे हम कर रहे हैं। चलो आओ उतरो। हां उतर जाओ, अपना सामान मत छोड़ना गाड़ी में। फोकट में पहुंच गए ना अपनी मंजिल पे। चढ़ गया ना। हां चलो ना, गोद में पकड़ के उतारू। उम्र हो गई, आराम से उतर अब ना। लो टोकरी लो, संभाल के ले तेरी जायदाद। इन टोकरियों की वजह से तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तनों के साथ तुझे भेज देते। अरे हमारे ₹5 वापस देवे के पड़ी, ओकरा बदला नहीं रहा बाका। कालिया अरे कहीं का। हाँ, तू तो महारानी एलिजाबेथ है ना। कालिया बोलती, सही बोलती है। चलो भाई। करेक्ट टाइम पर कपड़े सुखाने के बहाने तुम्हारा इंतजार करती है भाई। मुस्कुरा देती तो खुश हो जाती बेचारी। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी छोटी लड़की है। अब इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ और क्या, गरुड़ को अपने पिंजरे में बंद करूंगी मैं। शुक्र ये आखिरी लोड है, इसे खत्म करके दो दो पैग लगाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाए। लो आ गई हमारी मंजिल। अरे वाह, घर तो महल की तरह है। मारो भाई ब्रेक। आज का युद्ध समाप्त। लेकिन अभी पार्टी के लिए क्या करोगे माँ? अरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जरा भाई की मेहरबानी हो जाए तो अरे, मजा आ जाए। मोती भाई आज शाम को कुछ आने से पहले जो लगाया उतना काफी है। आज काफी काम हो गया, बहुत पसीने आ रहे हैं। किसे, तुझे? नहीं नहीं, कूप में हाथी को। अच्छा हाथी को, तू भी तो हमारे ऊपर एक हाथी जैसा ही बोझ है। क्यों मोती भाई? मोती बुलाता है तो जैसे उसे कितनी बार कहा है मैंने, उसे मोती मत बुलाओ। उसे मैंने ऊंचे दर्जे का नाम दिया है, छत्रपति, उसी नाम से उसे बुलाया करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ किसकी तस्वीरें हैं पता है? वहाँ पे किसकी है? देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले धीरों की है, वीरों की है। क्या देख रहा है? सब लोग अंदर मौजूद हैं? जरूर है, इस दिल के अंदर है। इन सब की तरह एक बड़ा इज्जतदार नाम ही मैंने अपने नाती को दिया है, उसे इसी नाम से बुलाया करो। ठीक है वाइसरॉय साहब। क्यों वाइसरॉय? कौन मैं? नहीं ये हम दोनों ही। या अल्लाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बेटी इंदिरा, चाय नमकीन भी है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलेगा। सुनो मेरे बच्चों, बाबूजी के सामने तुम उसे मोती मत बुलाना, ठीक है? कौन है ये बाबूजी? मतलब मोती भाई के इकलौते नाना जी, यानी कि वाइस रॉय साहब। मत्ताय भाई साहब के यहाँ काम कर रहे हैं ना दोनों? हाँ, हाँ। मोती बता रहा था। ठीक है माँ जी। हाँ तो तुम दोनों चाय पी लो। ये मोती भाई गाड़ी से उतरते नहीं क्या? अबे तू नहीं समझेगा, अगर इसे अपने बाप की तरफ से कुछ मिला है तो वो है ये घर और ये गरुड़, बाकी सब दान धर्म में लुट गया।
वो कौन है? ये अपने मोती और कार्तिक। हाँ, अपना कार्ती यानी वो रेसर। हाँ वही है, इसका छोटा भाई, मामा का बेटा। अच्छा, ये जीप रेस में कमाल का है। वो मोती भाई से इतना गुस्सा क्यों है? इनके घर के बुजुर्गों में आपस की कोई लड़ाई थी। हाँ। तो उसकी माँ ने उसे इतनी चाबी दी कि उसे मोती के नाम से भी नफरत हो गई। अरे बचपन में उसके कंधे से उतरता नहीं था वो, लेकिन अब वो सब किसे याद है। लगता है कूप के मामले में कुछ गलत होने वाला है। एक हफ्ते पहले की थी, फिर भी पैसे देने नहीं आया मथाई। वो कुप का काम कुछ बंद हो गया था और जो पैसा आना था वो भी नहीं आया। मैं पहुंचा दूंगा, देर नहीं करूंगा। ऐसा ठीक समय पर पहुंचाने की बात हुई थी ना हमारी? हाँ ये बात तो सही है कार्तिक, फिर भी तारीख को लेकर इस बार मैं चूक गया। मंजूर नहीं है मुझे। एक काम करो, मुझे जो देना है उसे रहने दो, तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ। वो यहाँ के टीक वुड, कूप और अपने कॉन्ट्रैक्ट की रकम वगैरह सब कुछ मिला जुला कर। और हाँ, तराई में पहुंचाए गए तनों के हिसाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने में परवड़ेगा उतना बोल दो मथाई भाई, ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। वो सब जरा साइड में लगा। ये नहीं हो सकता है जॉनी, माना कि मैंने तुम लोगों से पैसे लिए हैं। हाँ ये सही है कि देर हो गई, लेकिन लौटा दूंगा। ऐसे में मेरी कूप की कीमत मत लगा। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे मेरे टेबल पर होने चाहिए। क्या मांग रहा है मथाई भाई? इनके पैसे लौटाने में एक हफ्ते की देरी क्या हो गई? ये लोग कूप जब्त करने आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसा फिजूल का लेन देन मत किया करो। अरे मैं तो बस, अगर तुमसे मताई भाई ने पैसे उधार लिए तो वो लौटा भी देंगे। पैसे देने में एक आध हफ्ता यहाँ वहाँ होना, ये तो हर जगह होता ही रहता है मेरे भाई। वैसे भी तू एक हफ्ते का सूद तो वसूल करने ही वाला है। सुबह के 10 बजने के लिए अभी भी वक्त बाकी है ना, अब तू जा यहाँ से। तू बिना वजह दखल अंदाजी कर रहा है, अपने साथ घूमने वाला कोई मामूली जोकर मत समझना मुझे। ये सौदा कैसे निपटाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जरूरत पड़े तो तुझ समेत ये जो कूप है ना, उसे तोड़ मरोड़ के पकड़ लूंगा मैं। अरे तू क्या तोड़ेगा, जब 60 फुट का टीकवुड का तना अपनी पीठ पर चढ़ाया था तब नहीं टूटी थी इस मोती के रीढ़ की हड्डी। तू तो हल्का सा सहजल का पेड़ है मेरे भाई। सुना आज कार्तिक कूप का भाव पूछ रहा था, आखिर उसे कौन सी बीमारी है? मेरा यहाँ होना ही उसकी समस्या है। मुझसे बदला लेने के बहाने वो किसी तरह कूप हड़पना चाहता है, और पेड़ों को भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलिए एक और बना बोतल लेना।
दारू में दूध मिला के पीना तुम्ही ने इजाद किया है भाई। नीचे बाई ओर मार पड़नी चाहिए, तभी खून की उल्टी करेगा। ए मोती, चंदन का तना बड़ा सख्त होता है, खट्टी दही डाल दो उसके बाद काटना। गाड़ी में क्या? चंदन की कुछ कच्ची लकड़ियां हैं। चंदन? उतर नीचे। सर गाड़ी में चंदन है। पूछो नाम क्या है तुम्हारा? नोहा। सोहा है। जाने दो। ओए, इस रेंज में तुम अभी नए आए हो ना? रात को इस जंगल में इस तरह ठंड से कांपते खड़े रहोगे तो हमेशा एक नाम जहन में रखना, नोहा। से कुछ पैसे बनाने हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो नहीं करूंगा पर जल्दी से पैसे बनाकर मौज करना है मुझे। अंबानी की तरह? कौन है वो? ऐसे ही है एक आदमी, पहले पेट्रोल पंप में नौकरी करता था और अब आज करोड़ों अरबोंपति। मैं पेट्रोल पंप पे काम नहीं करूंगा। क्यों? पाइप पकड़ के कौन खड़ा रहेगा? देर हो जाएगी, मुझे फटाफट पैसे चाहिए, अपने कटप्पा की तरह। बाहुबली का कटप्पा? हाँ। मैं इस जंगली महिष्मती साम्राज्य का गुलाम हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। मेरी भी। मुझे एक आइडिया आ रहा है दारू की। अच्छा? 300 रुपए लगा के 3000 रुपए कमाओ। वाकई? ज्यादा मुनाफा लेने की बदनामी भी नहीं है। लागत तो सिर्फ 300 रुपए है। तो फिर आज ही शुरू करेंगे। आज? हाँ। ओके ओके। तो दोनों मालिक लोग धंधा शुरू कर दो। अरे मोती भाई, कल से कुछ दिनों के लिए मैं और शुक्र कूप में काम के लिए नहीं आएंगे। वो कैसे? अरे बोलो ना भाई। वैसे जमानत के लिए 3 महीने तो लगी जाएंगे। क्या कहा, हमें पुलिस पकड़ेगी, हमें टच भी नहीं कर सकती। नाना जी ने खाना खाया? बाबूजी जल्दी खाकर सो गए। और तुमने? मैं बाद में खा लूंगी, तू खा ले। बाद में क्यों खाओगी, तुम भी बैठो। समय पर बोतल नहीं मिली इसलिए बाबूजी शाम को बहुत बड़बड़ा रहे थे। तुम कुछ भी दिल पे नहीं लेते हो, अपने मामले में बहुत लापरवाह हो तुम। देखो ये बात तुम मत भूलना कि मेरी भी उम्र हो रही है, आखिर कब तक मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी? आज सालन में तीखा थोड़ा कम है इंदिरा देवी जी। अपने स्वाद के हिसाब से चाहिए तो जाकर किसी लड़की को ब्याह कर ले आ मोती। लाता हूँ लाता हूँ। मैं जो भी कहती हूँ तेरे लिए मजाक है। मैं लाऊंगा माँ। अरे सुन, कूप के पास रहने वाली कोई लड़की तुझे पसंद करती है ऐसा मेरे सुनने में आया। फोटो देख ली मैंने, सुंदर लड़की है, तुम दोनों जचोगे। वो बड़ी कम उम्र की लड़की है। कम उम्र वाली को मैं एक बार मिलूंगी जरूर। तुम्हें और कोई काम नहीं है, खाना खा के जल्दी से सोने की कोशिश करो इंदिरा देवी जी। वो देखो मोती भाई आ रहे हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं रोकेंगे कि नहीं। मोती भाई। अरे दोनों उद्योगपतियों का धंधा कैसे चल रहा है? उम्मीद के हिसाब से मुनाफा नहीं मिला? मोती भाई दारू का धंधा हमारे बस की बात नहीं है, उसके लिए मार खाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
एक सोडा खरीदोगे मोती भाई? बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, जरा अंदर घुसना तो। ए वासु, गरुड़ आज हड़ताल पे है। अरे सुकुर, जरा पैडल को दबाना। पैडल? वो कौन सी बला है? पैडल मत। ए सुकुर, पैडल जरा दबाना। कहाँ है पैडल? ये पकड़ ले। अरे सुन, फिर से दबा। दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया। एक बार फिर से दबाना। हाँ, दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ, ओके। ओके। बाल बाल बच गया। मैं जा रहा हूँ। तुम किससे पूछ के गाड़ी में बैठी? मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूँ। अच्छा, मतलब गाड़ी पसंद है? गाड़ी वाला भी। चलो सब लोग आ गए। अरे मोती भाई, सेकंड गियर भी डाल लो। सारे गियर एक साथ डाल दो मोती भाई। मोती, उस रेंजर का फोन आया था, कूप के पेपर्स लेकर ऑफिस में बुलाया है। हफ्ता दे रहे हो ना? अरे वो सब सही वक्त पर पहुंच जाता है, ये कुछ और ही है। कुछ नहीं, रेंजर गणेश को और पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी, इसलिए बुलाया होगा। जो भी हो तुम भी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। मेरे बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए जाल रखा था साहब, उसमें वो कबरबिज आकर फंस गया। कबरबिज? किसे बेवकूफ बना रही है रे तू? तेरी कहानी को मैं मान लूं? ठीक है, आखिर आ ही गई ना तू गणेश के पास, अब सब मैं देख लूंगा। वैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? मेरे बच्चे को कुछ मत करना साहब। तेरे बेटे के साथ आखिर मैं क्या करूँगा? समझ गई ना? साहब है अंदर। नमस्ते साहब। लुंगी नीचे करके जा रहे? ऐसे घूर क्या रहा है? मामूली ड्राइवर है, जरा रॉब तो देखो इसका। सचिव आ गए बेवक्त। बाहर जाओ, तू भी जा। वेट करो, मैं बुलाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो लाए हो ना? इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो काटे गए, जो नीलामी में शामिल नहीं थे। आखिर बात क्या है? तनों की चोरी कर रहे हो? आप ये क्या बोल रहे हैं सर, बिना नीलामी के एक भी पेड़ हमने नहीं काटा है, ये जानबूझकर किसी ने। इल्जाम लगा तो बिना इंक्वायरी के हम रह नहीं सकते मताई। अब ये समझ लेना, इसीलिए अब तुम लोग कुछ दिन आराम करो, इंक्वायरी पूरी होने दो। अरे नहीं सर जी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। कूप का काम रुक जाए तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। ऐसे मजदूरों को कुछ दिन घर बैठने दो। अच्छा साहब, कूप का काम रोके बिना भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं? तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो,
जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बात चाहे जो भी हो, मैं फुर्सत में आकर आपसे मिलता हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, समझते कि नहीं? तो अब मुँह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो पूरे कूप को खाली कर दूंगा। समझ गए ना? हा? जी। अब निकल। गणेश किसके कहने पर ये काम कर रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस मताई भाई के कूप नीलामी में लेने से बहुत पहले से ही मोती इस जंगल में राज करता था। जब मैं मजबूत चंदन की लकड़ी अपने गरुड़ में लाद कर चेक पोस्ट पर लेकर आता था तो तू अपनी टोपी उतार कर दौड़ कर फाटक खोलने आता था, वो इस मोती के नाम के डर की वजह से। अब मोती यहाँ है ये जानकर भी तूने ये डील पकड़ ली है गणेश, तुझे पल भर के लिए भी डर नहीं लगा? पेपर उठा लो मताई भाई। मासी तुम इसे लेकर घर जाओ। ड्राइवर लोगों से तुझे इतनी चिढ़ क्यों है बता मुझे? ईमानदारी से अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, धूप छांव बारिश तूफान की परवाह किए बगैर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारा जज्बा है। मुझ जैसे ड्राइवर के मनोबल का पता लगा पाना तेरे बस की बात नहीं। फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो पुर्जा अलग कर दूंगा। जरूर उस कार्तिक का काम है ना? मैं इन लोगों को जितना अपना समझ के छोड़ देता हूँ उतना ही मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। इनकी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मोती भाई बहुत चीटिंग कर रहा है वो कमीना। कौन? वो एट। डील क्या है? लट्ठा खरीद के वजन में हेरा फेरी कर रहा है साला, इसीलिए गुरु ने तुम्हें बुलाया है। घर जाना है तो आके बैठ जा। क्या हुआ? उतरना नहीं है? मैं तो उतरूंगी। तो फिर उतरो। सुनो, मैं कोई इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, शादी करने और चुम्मा चाटी करने की उम्र हो गई है मेरी। तो मैं क्या करूँ? शादी करोगे मुझसे? निकलो निकलो। बोलने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, ये पहन लो काफी है मेरे लिए। आखिर कब तक पीछा करती रहूंगी मैं?
ये उसी का काम है, हमारा रिएक्शन जानने के लिए कर रहा है। जो भी हो कुछ दिन तक बुलेट अवॉइड करना। इस तरह डरेंगे तो जीतेंगे कैसे? गणेश तो चूहा बन गया है, मोती वो खुद को जंगल का राजा समझता है। मोती उसका अंत मेरे हाथों से होगा। मैं कोई डील नहीं करूंगा सोचा था मैंने, फिर भी पूरे वजन की लकड़ी पहुंचाई। फिर ये बदलाव क्यों है सेठ? जो वजन कहा गया था ठीक उसी वजन का माल तो तुमने दे दिया, लेकिन जितनी बार भी दोबारा वजन करता हूं वो कम होते जाता है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? विश्वास ही नुहा का उसूल है। पैसा, पैसा ही इस सेठ का उसूल है। सैकड़ों लकड़ियों में से एक एक लकड़ी चुनकर अच्छा माल दिया था तुम्हें, बड़े जोखिम उठाए थे उसके लिए मैंने, उसका पैसा तुम्हें लेकर ही। बेशक पैसा ले जाओ, लेकिन वजन के हिसाब से। पूरे वजन का? उसके लिए नोहा यहां से बाहर जाना चाहिए ना? तेरा धंधा हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से ही तुझे यहां बुलाकर बिठाया है। इस सेठ का फैसला है कि आज के बाद चंदन के पेड़ सिर्फ और सिर्फ ये सेठ ही काटेगा। पैसों के ऊपर कोई भी परिंदा नहीं उड़ता है नोहा। उड़ने वाली नस्ल है सेठ जंगल में, परिंदों से भी ऊंची नस्ल गिद्ध। उसकी उड़ान पैसों के ऊपर नहीं होती, लाशों के ऊपर होती है।
जॉनी को देखकर तेरी हवा टाइट हो गई हा? चार साल पहले ये तोहफा मुझे तूने दिया था। कार्तिक, क्या हुआ था? कार्तिक, टोनी ने तुझे मारने का कोई प्लान बनाया है? उसने हरा दिया मुझे, आज मैं उसे ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। उस दिन जब मेरे पैरों के ऊपर से तूने अपनी गाड़ी चढ़ाई, तब मैंने खो दिया अपने सारे सपनों को, गाड़ी को, रेस को, ट्रैक को भी। जब खड़ा भी नहीं हो सकता था ऐसी हालत में, पड़ा रहता था बस, तब मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तू ही बसता था। बड़े प्यार के साथ, हाँ बड़े प्यार के साथ। तू जानता है क्यों? खून करने के लिए, उसी के लिए आया हूं मैं, लेकिन अभी नहीं। मारने से पहले एक बार ट्रैक में तुझे हराना चाहता हूं मैं। उसके बाद तेरी तस्वीर पे हार चढ़ा कर ही ये टोनी वापस लौटेगा। अपने बाप से बोल देना कि तेरे लिए कफन और अगरबत्ती तैयार रखे। यू आर फिनिश्ड। बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। Drinking is injurious to health. मदिरा पान सेहत के लिए हानिकारक है। अरे मोती भाई, ये इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? पुर्जे अलग किए हुए तो काफी दिन हो गए हैं। मैं अकेला ही हूं ना। आपकी मदद के लिए मैं तो कल ही आने की सोच रहा था, लेकिन वो केलों के पौधे लगाने थे ना, इसलिए नहीं आ पाया। तुमको नहीं लगाना चाहिए था। तो फिर राम प्रकाश जी को लगाना चाहिए। वो तो मेरा बाप है ना। 25-30 साल पहले। समझ गया, कुछ तो फायदा होता। और एक बात, कल मैं कूप में नहीं आऊंगा, एक दिन का आराम तो चाहिए ना मुझे, प्लीज। जानता हूँ, कल मड रेस देखने के लिए जाने वाला है ना। तुमको पता चल गया तो तुम भी चलो ना। वैसे भी कल कूप में कुछ खास काम तो है नहीं। मैं नहीं आऊंगा। ये देखो, सारी टॉप की टीमें भाग ले रही है इसमें। ये देखो, जबरदस्त मुकाबला होगा, वो भी हमारे टाउन में। ये देखो, और अपना कार्तिक भी इसमें भाग ले रहे हैं। जिंदगी और मौत की बाजी लगेगी। तो माना ना मोती भाई, अपने बच्चे का प्रदर्शन तो देखें। आओगे ना? कल है ना। हाँ। देखते हैं। तो चलोगे? ये हुई ना बात। मतलब टोनी वापस आ गया। वो मुझसे बदला लेने आया है, कॉलेज का हिसाब चुकता करने। वो कुछ नहीं उखाड़ेगा,
कार्तिक की ताकत के बारे में वो जानता नहीं है। अपने लौंडो को भेज के ठीक करने की समस्या ही है और कुछ नहीं। नहीं, ये किस्सा हम खुद ही खत्म करेंगे। लगता है अगली रेस में हमसे टकराने के लिए वो भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। उसके लायक वो एक गाड़ी भी मॉडिफाई करके लाया है। तो क्या इसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको? इसने आज तक हमें कभी हराया है? इससे भी बड़ी बड़ी रेसेस में इसी के जरिए हमने जीत हासिल की है। टोनी को हराने के लिए भी यही बहुत है। आने दो सर। पिछले कुछ दिनों से कलेक्शन कुछ कम है टोनी। कॉलेज में पहले की तरह काम नहीं हो रहा है। पुलिस की निगरानी बहुत सख्त है। कॉलेज नहीं तो इस माल को स्कूलों में पहुंचा दो। आदमी औरत के भेदभाव के बगैर सबको एंजॉय करने दो। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर दोबारा यहां मत आना। अच्छा टोनी भाई। चले कल। अब मेरी परेशानी का जड़ सिर्फ एक ही है, कार्तिक। हमें देखकर उसे अपनी छठी का दूध याद आ गया होगा, लेकिन हमें उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। वहीं पे उसे चीर के रख सकता था मैं, लेकिन नहीं। इससे पहले के ट्रैक के मुकाबले में जीत हासिल करने वाला वो था, और इस जीत के श्रेय के साथ उसे मरना नहीं है, उसे हारना होगा, उस बोझ के साथ मरना होगा। उसी के शहर में होने वाली इस रेस में उसको हराना होगा, नाक कटवानी होगी उसकी। लेकिन आजकल वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, हर ट्रैक में नंबर वन। ये मुझे मालूम है। एक बार टोनी को हराने के बाद वो ट्रैक का बादशाह बन गया। 3.2 लीटर इंजन, आरसीबी एक्सल, कॉइल ओवर सस्पेंशन, लामड़ा लोकस, कट ब्रेक्स, ये सब के साथ अपने स्पाइडर पर इतना सब खर्च करके पंजाब से बाहर लाया हूं तो सिर्फ उसी के लिए। वो और उसकी गाड़ी मेरे स्पाइडर का कुछ नहीं उखाड़ पाई। उसके बाद वहां के कीचड़ में ही मैं उसे दफना दूंगा। हमारे शहर की शान बढ़ाने वाला ऑफ रोड रेस का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखने वालों की दिल की धड़कनें तेज करके आप सबको रोमांचकारी बनाने लायक साहसिक और खतरनाक रेस शुरू हो रही है। लोगों को और कोई काम नहीं है,
सब बड़े घर के बच्चे हैं, खाना पचाना है ना, चर्बी है। सुनो, जब बाढ़ का पानी घर में घुसा और तुम बिना खाने पीने के फंस जाओ, तब ऐसे निकम्मे ही आते हैं तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। ताकतवर युवाओं को पछाड़ने के लिए पीली सीट में बैठ रही है प्रभास शेरनी, रिया पैरी। कर रही है। मोती भाई क्यों नहीं आ रहे? उन्हें ये पसंद नहीं? जब ये चौथी क्लास में था ना, तभी अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का लाइसेंस ले लिया था इसने। ये बच्चों की रेस देखने में थोड़ी ना आएगा। 5:30 आंखों और बंद में भड़कते हुए शोलों के साथ बिना लगाम के घोड़े की तरह अब ट्रैक पर आ रहा है। और क्या है ना जानने वाला ऑफ रोड का बेताज बादशाह। Thank you.
1.03। Yes! अब इस टाइमिंग को कोई बीट नहीं कर पाएगा। Yes! टोनी टाइमिंग देखी भाई 5.03। 1300 के ट्रैक में मॉडिफाइड गाड़ी के साथ बहुत उखाड़ लिया है इसने। क्या मतलब? पर और प्रैक्टिस की जरूरत। दो लड़कियां भी थी, वैसे तो बढ़िया चला रही थी, लेकिन लड़कों के आगे कहां टिकेंगे। काबिलियत में लड़का लड़की में क्या फर्क, गाड़ी थोड़ी अच्छी होती तो चूड़ियों वाले हाथ में कप होता। अर्जुन के धनुष से निकले तीर की तरह, जेम्स बॉन्ड के पिस्टल से निकली बुलेट की तरह अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने आ रहा है। Just five. चल रहे थे तो है ना। चल इस ट्रैक से इतने दिनों तक मुझे अलग करके रखा था तूने, तुझे मार के इसी कीचड़ में गाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। अगला मुकाबला तेरा आखिरी ट्रैक है, वहां ऊपर जाने का। कार्तिक, टोनी को हराना तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। ऐसा कर, घर से भी लाकर ड्राइव कर। लेकिन वो दोनों इस रेस पे तो काम में नहीं आएंगे। है कि नहीं?
मेरे अपने खून से पंगा ले रहा है।
हिम्मत है तो अगली रेस में जीत कर दिखा, तू फिनिशिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचेगा। उसी वक्त मार के वहीं पे गाड़ देना चाहिए था। साले ने बर्बाद कर दिया मुझे। उसे लात मारिए मेरे सीने पे। मोती उसका बड़ा भाई है। उसका भाई अगले स्टेट लेवल रेस में हमारे उतरने से पहले उसे तेरे सामने पटक के रखूंगा मैं। मुझे वो चाहिए, वो चाहिए मुझे। अभी जाओ उसे पकड़ो, अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। शुक्र, फाइट शुरू होते ही तो किस तरफ भागा, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? तू तो नजर ही नहीं आया वहाँ। फाइट शुरू करने से पहले मैं 2 किलोमीटर वार्म अप के लिए दौड़ता। अच्छा, लेकिन आज इसके लिए मौका नहीं मिला। हाँ तो वहीं डटा रहता ना, टोनी अच्छे से पुर्जे हिलाता तेरे सारे। इंदिरा देवी जी, जरा बाहर तशरीफ लाएंगी, आपसे कोई मिलने के लिए आया। कौन है? अरे ये सब यहीं रखो। अरे आके देखो तो। बेटे कार्तिक, रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? साइकिल। मोती इसे साइकिल पर बिठाकर घुमा ला। देख, छोटे भाई का रोना बड़े भाई के लिए बदनामी होती है। कभी यहाँ नहीं आएगा माँ। अब वो शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़ा आदमी बन के लौटेगा। बेटे कार्तिक, कम से कम अब तो आ गया तू। दोनों बारिश में भीग के आए हो क्या? तेरी माँ ठीक तो है ना? अरे रे, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? माँ अभी उसे अपने हाल पे छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। तुम सब बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नाना जी वो तो सो रहे हो। अरे उन्हें मत जगाना, वायसराय को तो सोने ही दो। और बाकी का माहौल कैसा चल रहा है? क्या वैसे इस तरह के खुशी के मौके पर कुछ माहौल तो बनता है ना भाई? समझे नहीं क्या? मैं बताता हूँ। 10 साल बाद जब विदेश से लौट आता है राम प्रकाश, और जब बचपन से बिछड़ा हुआ कुमार भाई घर लौटता है, तो एक माहौल बनता है ना। बस बस। अरे भाई ऐसे माहौल में गिनता कौन है?
आज तो धमाल मचाएंगे। जल्दी आ जाना। ए, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, चाय पीने के लिए रुक गया तो वाइन शॉप बंद होने का माहौल हो जाएगा। ओके। देखा माहौल कैसे बना। दुनिया में जो करे कसाला वो खाएंगे मटन मसाला। आज तो मजेदार मसाला बनाना है। खूब तीखा मसाला बनाकर अच्छी तरह से उस पर लपेटना पड़ेगा भाई। देखते ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए। आज मैं मटन की टांग में लटक कर झूला झूलूंगा। झूलो झूलो। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया के साथ बैठकर ही मैंने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा था, वो भी इसी गरुड़ पर, इसी घर के आंगन में। इसी आंगन में? कार्तिक, घर से बहुत बढ़िया जिमिकन लाया हूँ। आजा, देखो अपना साई वापस आ गया। आज धमाल मचेगी। अपनी रेस की स्पीड दारू पीने में मत दिखाना। एक बात कहूँ मैं, इस साई ने कभी दारू पी के ना तो आज तक किसी को गाली दी और ना ही किसी को बुरा भला कहा, और ना ही कूप के बाहर किसी से मार खाया। बिल्कुल। शुक्र के बच्चे। मैं मजाक कर रहा था, ये ले पकड़, ले पी। उस टोनी नाम के बंदे को तुझसे क्या दुश्मनी है? मैं देख रहा हूँ वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, आखिर बात क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एक साथ थे। कार्तिक, मैं और वो दिल्ली वाला टोनी। अरे इतना भी मत सोच यार, छोड़। मार्केट जाऊंगा ना तो पता रहेगा। ये साला कई दिनों से सबके सामने अपना रूप दिखा रहा है। कहाँ गए थे ब्रो? हमारा कुछ प्रोग्राम पेंडिंग है। बहुत शाइनिंग मार रहा है साला। टोनी, तुझे चैलेंज मार रहा है वो। चल रहे, टोनी से टक्कर लेने के लायक नहीं है बंदा। लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब बेकार में वक्त जाया मत करो, प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है। वो हम कर लेंगे यार, प्रेजेंटेशन की डेट करीब आ गई है। ब्रो, तेरी एंट्री देख के उन लोग की सॉलिड फटी हुई है। अरे तू ये क्या करने जा रहा है? टोनी के बराबर यहाँ और कोई नहीं चाहिए। अरे टोनी, के बाद कॉलेज में हमारा भी एक गैंग बन गया। उसके बाद हमेशा टोनी के साथ टकराव होने लगा। ठीक उसी वक्त हम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे, ज्यादातर वक्त हम उस प्रोजेक्ट में लगाने लगे। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए खास था क्योंकि नेशनल लेवल सेमिनार के लिए वो एक प्रेजेंटेशन था। उसका पूरा काम हमने सही ढंग से करके रखा था। यार कुछ भी बोलो टोनी, रेस में उसका प्रदर्शन देख के ना पूरे कॉलेज में आग लग गई है, और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब उनका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो गया समझो। उसके बाद देख लेना, साले उन्हीं का राज होगा यहाँ पे। एक बात कहूँ, अगर वो इस रेस में भी जीत गया ना टोनी, तो
तो तू दूसरा कॉलेज ढूंढ लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसे यहीं खत्म करना होगा। टोनी यहीं पर रहेगा राजा की तरह। लेकिन अगले रेस में अगर वो जीत गया तो? वो नहीं जीतेगा, यहाँ तो सिर्फ टोनी ही जीतेगा, ना उनका कोई प्रोजेक्ट यहाँ रहेगा ना ही वो लोग यहाँ रहेंगे। और फिर इस टोनी को छोटा दिखा के वो कार्तिक यहाँ नहीं रह सकता। जैसा कहा उसने वैसा ही किया। बहुत दिनों से हम वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले उस कमीने टोनी ने उसे बर्बाद कर दिया। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती थी। और तुम लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, उसको तो जान से मार देना चाहिए था ना। मारने ही वाला था लेकिन इस जॉनी ने मुझे रोक दिया। बदला लेने के लिए हम अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब टोनी ने तुम लोगों को धो डाला। इसके सर से बैंडेज निकलने से पहले कॉलेज रेस की तारीख तय हो गई। उस रेस में मैंने उसे हरा दिया। उस पर हासिल करने वाली मेरी पहली जीत। पर भी जी नहीं भरा इसलिए इसने टोनी के पैर पर जीप चढ़ा। हमने जब आखिरी बार उसे देखा तब दर्द के मारे वो चीख रहा था। मतलब तुम उसका पैर तोड़ के ही यहां आए थे। अब बेवजह उसके मुंह मत लगो। अगले महीने भी एक रेस है ना, उसे पूरा हो जाने दो। उसके बाद उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। Yeah.
शाम को गला गीला करने का कार्यक्रम ही बंद कर डाला। कोई बात नहीं, कार्तिक को जिताना हम सब की जिम्मेदारी है ना। ओ अच्छा, तो मतलब रेस खत्म होने तक हम लोग उपवास रखें? नहीं नहीं, उपवास तो नहीं रखेंगे। ये ऐसी रेस है जहाँ देश भर से रेसर्स आते हैं, चाहे कोई भी जीते लेकिन टोनी हमसे आगे निकल गया तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। हाँ ये बात तो है। भाई के भरोसे पर ही हम मैदान में उतर रहे हैं। लो नजीब का फोन है। हाँ नजीब बोल। हाँ कार्तिक, मैंने सारा सामान तैयार करवा दिया है, कल तुम वहीं पर जाके पिकअप कर लेना। हाँ लोकेशन शेयर करना। ओके अभी भेजता हूँ। कल जाकर स्पेयर पार्ट्स लेने हैं। शुक्र को भी अपने साथ ले जाओ, मुकाबले के लिए बस 3 दिन बचे। मैं नहीं चाहता तब तक तुम किसी लफड़े में पड़ो। औरों की तरह अपनी गाड़ी को बस एक मशीन नहीं समझना चाहिए। अगर तुम अपनी गाड़ी को अपने परिवार का हिस्सा मानोगे तो तुम इसे जो कहोगे ये तुम्हें करके दिखाएगी। कार्तिक भाई मैं जरा फूंक के आता हूं। हाँ नजीब ने हो गया। ए जब्बर। हाँ अंदर जाओ। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स लेने आया तो यहाँ ऐसी एक सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी, है ना? टोनी की किस्मत बुलंद है। और सुन, तेरी और तेरी गाड़ी की स्टॉपर इस गैराज में हम खींचने वाले हैं। दोनों के लिए मिला के एक खड्डा टोनी ने यहाँ पर खोदा है। अगली रेस में तू हिस्सा नहीं लेगा, ये मेरा वादा है टोनी से। उस खड्डे को और 1.5 फुट गहरा कर दो। अगर हम उसमें जाएंगे तो तुझे भी साथ ले जाएंगे। यार के टांग पर जब तूने गाड़ी चढ़ाई तो ये तेरे साथ भी हो सकता, ऐसी उम्मीद नहीं थी ना? ये टोनी की विरासत है, तेरा लकड़ी वाला जंगली भाई नहीं।
कोई भी तुरंत खा ना जाए, कुछ नहीं कर सकता। खामोश करने के लिए जिसने सुपारी ली वो तेरा भाई है ना, उसे जाकर कहना कि डबल बैरल गन लिए यहाँ उसका बाप मौजूद है, फिर भी खड़े खड़े उसने अपना अंडरवियर गीला नहीं किया ना, तो बोलना कि पैगाम देने वाला नोहा है। नोहा अपने सिर पर चंदन की लकड़ियों के बोझ की वजह से लड़खड़ाते पैरों से जंगल से मैं जब भी बाहर निकलता था रोकने आया करते थे तेरे जैसे जंगली सुअरों के झुंड। कई बार खत्म किया है उन्हें। मेरे बच्चों पर कोई खतरा आ जाए तो माँ कसम मैं बोलता नहीं, खून पी जाता हूँ। अबे छोटे, गुरु से लड़ने के लिए एक अलग हैसियत चाहिए, अपनी औकात तो देख फिर आना लड़ने। मिल गया, पाँव में मार पड़ी है, दाएं में या बाएं में। बाएं पैर में। हाँ कार्तिक, मैंने सारा सामान तैयार करवा दिया है, कल तुम वहीं पर जाके पिकअप कर लेना। आज के बाद किसी को दगा मत देना। उसका साथ देने वाले हर एक को इस तरह खून में डुबा कर लिटा देंगे। हमारे बनाए हुए जाल में वो नहीं फंसा। लेकिन तू फिकर मत कर, उसकी टांग पर ही वार किया तूने, गाड़ी भी गई। अगले स्टेट लेवल रेस में वो भाग नहीं ले पाएगा, हम रेस करेंगे। उसमें जीतने के बाद उसे और उसके भाई को खत्म कर देंगे। उसके बाद ही यहां से जाएगा टोनी। मुकाबला सब ये सब नहीं चाहिए।
अरे ये क्या है? स्टिकर। इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ उठा के क्यों पी रहे हैं? मेरा फेफड़ा छोटा भीम की तरह मजबूत होगा बड़े भैया, तभी मैं पी पाऊंगा। मजा आ रहा है। शुक्र को मार डालो, इससे अगर सब खत्म होता तो होने दो। ये वहां रखो तो एक भी मिर्च नहीं बचेगी। कौओं ने नाक में दम कर रखा है। पूरे 2 सूप मिर्ची थी, अब मैं उन्हें नहीं खाने दूंगी। शैतान कौओं को भगाने के लिए ये पुराना सा आईना भी चलेगा। काले बादलों के ऊपर उड़ने वाले गरुड़ों के बारे में बेचारा कौआ क्या जानता है? तू रेस में होगा। गाड़ी मैं चलाऊंगा, साथ तू रहेगा।
अब वो नहीं आ सकता है। क्लच दबाने के लिए बाएं पैर की जरूरत होती है। उसके काम का एक बार किया तूने, गाड़ी भी गई। गाड़ियों का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जीत हासिल करने के लिए खड़ी है 7 गाड़ियां। दिमाग और रफ्तार के तालमेल से एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए रस रस में भरपूर जोश के साथ मौज से बेफिक्र, जिनकी आंखों के सामने सिर्फ जीत का लक्ष्य है। शिकार पर झपटने को तैयार चीते की तरह कच्चे रास्ते, जंगल के खतरनाक कीचड़, पानी, उबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए इन सब के दिलो दिमाग में जीत के सिवा और कोई बात नहीं होगी। इस जमाने में जहाँ ये माना जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, वही सर पर कफन बांधकर निकले जाबाज खिलाड़ियों में से आज कौन बनेगा सिकंदर? इस रेस के शुरू होने में कुछ ही पल Accident near the bridge. आप दोनों ठीक है ना? Yes, I'm all right.
नीचे उतर के गाड़ी उठा भेजो। हाँ जाता हूँ। कम ऑन जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, कम ऑन, कम ऑन। रिवर्स 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 पर भैया। Come on, 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 come on,
बैकअप।